श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 6 और 7 दोनों एक साथ लेंगे। उच्चारण छठे श्लोक का करेंगे। भगवान भी विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्। भगवान श्री कृष्ण ने अपि विश्वात्मा हरे के परमात्मा विदित्वा यदुओं तथा उनके अन्य भक्तों की स्थिति जानकर कंसजम कंस के कारण भयम डर यदुओं के निजनाथानां अपने परम आश्रय रूप योग मायां भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति योग माया को समादिशत आदेश किया। अनुवाद तथा तात्पर्य अंग्रेजी में परम पूज्य कृपा जी द्वारा। कंस के आक्रमण से अपने निज भक्त यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा प्रत्येक परमात्मा ने योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। तात्पर्य श्रील सनातन गोस्वामी ने भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् की टीका इस प्रकार की है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, कृष्ण स्वरूपान स्वयं वे विश्वात्मा अर्थात सबके परमात्मा है, क्योंकि उनका स्वांश परमात्मा के रूप में विस्तार करता है। इसकी पुष्टि श्रीमद भगवद गीता 13वें अध्याय के 3रे श्लोक से होती है। क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा है। वे श्री भगवान के समस्त अंशों के आदि उद्गम है। श्री विष्णु के लाखों पूर्ण विस्तार है, यथा संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा वासुदेव। किंतु इस भौतिक जगत में विश्वात्मा अर्थात सभी के परमात्मा तो शिव दक्षा विष्णु है, जैसा कि भगवद्गीता 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतेषु प्रदेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर समस्त जीव के हृदय में स्थित है। अपने अंश विष्णु तत्व के रूप में भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः विश्वात्मा है, फिर भी अपने भक्तों के स्नेहवश वे उन्हें निर्देश देने के लिए परमात्मा का कार्य करते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सर्वेष्वतः स्मृति ज्ञानम। परमात्मा के कार्य शिव दक्षा विष्णु से संबंधित होते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्त देवकी पर कृपा की, क्योंकि वे जानते थे कि कंस द्वारा सताए जाने के कारण देवकी डरी हुई है। शुद्ध भक्त भौतिक अस्तित्व से सदैव डरता रहता है। कोई यह नहीं जानता कि दूसरे क्षण क्या होगा, क्योंकि उसे किसी भी क्षण अपना शरीर बदलना पड़ सकता है तथा देहांतर प्राप्ति। यह जानकर शुद्ध भक्त इस तरह कार्य करता है कि कहीं उसे दूसरा शरीर धारण करके संसार के कष्ट न भोगने पड़े, जिससे उसका जीवन दूषित हो जाए। यही भयम अर्थात डर है। भयम द्वितीया भी निवेशेत स्यात्। श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद का 2वें अध्याय का 37वां श्लोक। यह भय भौतिक अस्तित्व के कारण है।
ठीक ठीक कहें तो हर एक को इस भौतिक अस्तित्व से सतर्क और भयभीत रहना चाहिए। इस तरह भौतिक संसार को न जानने से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु तथा वत्सल रहते हैं कि वे उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे उन्हें एक क्षण भी भुलाए बिना भौतिक जगत में रहते रहे। श्री भगवान ने श्री भगवद गीता 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है, तेषां देवानुकं पाठं अहम् ज्ञान जंगम नाशयामि अपि भाव सुज्ञान इत्यनेन भास्वरा। मैं उन पर कृपा करके मैं उन पर कृपा के कारण उनके हृदय में रहकर ज्ञान के दीपक से अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करता हूं। योग शब्द का अर्थ है कड़ी। कोई भी योग पद्धति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपने टूटे संबंध को पुनः जोड़ने का प्रयास है। योग के अनेक प्रकार हैं, जिनमें से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। अन्य योग पद्धतियों में पूर्णता प्राप्त करने के पूर्व विविध प्रकार की विधियां अपनानी पड़ती है, किंतु भक्ति योग तो प्रत्यक्ष होता है। श्रीमद् भगवद गीता 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां भक्ति अंतरात्मा श्रद्धावान भजते योगां समीपतमोऽन्तः। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हुए मुझ में निष्ठा रखता है वह योग में मुझसे भलीभांति जुड़ा रहता है और वही सर्वोच्च है। भक्ति योगी के लिए अगले जन्म में मनुष्य शरीर विदा निश्चित है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सुचिनाम श्रीमतांगे योग वृषो विजायते। योग माया श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। श्री भगवान अपने भक्तों पर स्नेह के कारण निरंतर उनके संपर्क में रहते हैं। अन्यथा उनकी माया शक्ति इतनी प्रबल है कि वह ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवताओं को भी मोहित कर देती है। अतः श्री भगवान की शक्ति योग माया कहलाती है। चूंकि श्री भगवान विश्वात्मा है, अतएव उन्होंने योग माया को तत्काल आदेश दिया कि वह देवकी की रक्षा करे। उसके बाद वाला श्लोक भी मैं पढ़ लूंगा, इसका अनुवाद तात्पर्य भी पढ़ूंगा। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोप गोपियलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंदगोकुले अन्यास्य कंस संविग्ना विवरेषु वसन्ति ही। अनुवाद। श्री भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम ब्रज जाओ जहां अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं, उस सुंदर प्रदेश में जहां अनेक गाय निवास करती है, वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं। कृपा करके वहां जाओ। तात्पर्य, राजा नंद का आवास नंद गोकुल स्वयं अत्यंत सुंदर था, और जब योग माया को वहां जाकर भक्तों को अभेद प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया तो वह और भी सुंदर तथा सुरक्षित हो गया। चूंकि योग माया में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की क्षमता थी, इसलिए श्री भगवान ने उसे नंद गोकुल के यहां जाने का आदेश दिया। ओम ज्ञान तुमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनो विष्णुं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुखदातिकम्। वान्देहं श्रीगुरुशिवपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं प्रचन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीशतान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावेश्वरी विश्वानंद सुखदेवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में
हंस के आक्रमण से निजी भक्त, यहां शब्द का प्रयोग किया गया है निज नाथाना। तो निज अर्थात भक्त और नाथाना यानी कि सर्वोत्तम, यहां विश्वनाथ ठाकुर इस प्रकार से बताते हैं, जीव स्वयं बताते हैं इस प्रकार से। तो निज यानी भक्त और नाथन सर्वोत्तम भक्त, तो यादव सर्वोत्तम भक्त नाथानाम भक्तों में अति उत्तम। तो इस प्रकार का वर्णन आपको बृहद भागवतावत में भी मिलेगा, जब नारद मुनि अलग अलग विष्णु के पास जाते हैं तो पांडव के पास पहुंचते हैं धीरे धीरे, और पांडव को पांडव उनको किसके पास जाने के लिए बोलते हैं, यादव के पास। फिर नारद मुनि जाते हैं उग्रसेन के पास, और उग्रसेन क्या कहते हैं कि सभी यादव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है, उद्धव। तो निज नाथाना, तो अपने निज भक्त यदु की रक्षा करने के लिए, जैसे कंस की एट्रोसिटीज के बारे में कल प्रभु जी ने बताया था, और पहले आपने दशरथ स्कंद में वर्णन सुना होगा, कंस से सब भयभीत थे, ये जो बड़े बड़े असुर और जैसे खेचरी पुतना, फिर शक्रासुर बकासुर अघासुर धेनुकासुर, ये सब जो विभिन्न असुर थे, ये सब कंस के दास थे, किंकर थे। गर्ग संहिता में गर्ग 19 का वर्णन करते हैं कि कंस दिग्विजय यात्रा के लिए निकला था, और ये बड़े बड़े असुरों के रोज उन्होंने विजय पाई थी। तब से ये सब जो असुर थे वो कंस के किंकर बनते रहते थे, कंस जैसा आदेश देते थे वैसे उनका पालन करते थे। तो कंस से बहुत आक्रांत थे, बहुत भयभीत थे यदुवंशी। तो विश्वात्मा, यहां विश्वात्मा शब्द का प्रयोग किया है और अपि शब्द का प्रयोग किया है, तो उसमें श्रीलजीव गोस्वामी और विश्वनाथ ठाकुर दोनों कहते हैं, श्रीलजीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, कि अपि शब्द यहां इंगित करता है दो प्रकार से, दो शब्द को दो अर्थ है इसके, कि एक अर्थ के श्री कृष्ण अंशी है, यहां विश्वात्मा शब्द श्री कृष्ण के लिए उपयोग किया गया है, अंशी एक प्रकार से समझ सकते हैं इसको, विश्वात्मा और अंतरात्मा। तो विश्वात्मा यानी यहां श्री कृष्ण के लिए उपयोग किया गया है, और अपि शब्द का उपयोग किया गया है वो उनको अंतरात्मा यानी शुद्ध इच्छा विष्णु से भिन्न करने के लिए बताया गया है। तो पहले ब्रह्मा आदि देवताओं को भी आदेश मिला था, लेकिन वो किससे मिला था, शुद्ध इच्छा विष्णु से। यहां श्री कृष्ण स्वयं जो स्वयं रूप है, कृष्ण सूर्यमान स्वयं, उन्होंने स्वयं योग माया को इसी प्रकार से आदेश दिया। तो ये जो विषय है, श्री कृष्ण स्वयं रूप है या स्वयं भगवान, इस विषय का विशद वर्णन आपको लघु भागवतामृत में मिलेगा। रूप गोस्वामी के समय विभिन्न संप्रदाय के लोगों में ये मतभेद रहता था, आज भी है, लेकिन जो लोग रूप गोस्वामी के दिए हुए प्रबंध और ये इस ग्रंथों को पढ़ेंगे तो सब संशय दूर हो जाएगा। तो उस समय भी रामानुज संप्रदाय मध्व संप्रदाय के मतों को पूर्व पक्ष लेकर रूप गोस्वामी कृष्ण कैसे स्वयं भगवान और कैसे सभी अवतारों के स्रोत हैं उसका बहुत सिस्टमैटिक वर्णन करते हैं। तो वहां महावस्था और परावस्था ये दो अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, हालांकि उसकी चर्चा यहां विस्तार से नहीं करेंगे, थोड़ा सा प्रसंग ऐसा इसमें आपको बताता हूं। और उसमें जो परावस्था है वो ऋषिदेव रामचंद्र और स्वयं रूप या स्वयं भगवान कृष्ण,
इस कारण से हम देखेंगे कि हमारे गौरी संप्रदाय के मंदिरों में ज्यादातर आपको यही परासाव के विग्रह देखने को मिलेंगे, नरसिंहदेव, राम और कृष्णा, ये गौर पिता है। तो कृष्ण स्वयं भगवान है और कृष्ण स्वरूप, तो ये चाव से कदा उनसे कृष्ण स्वरूपान से उनका लोग निर्णय के हुए। तो कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान अंशी है, और जब वहां भागवत में इसका वर्णन हुआ इससे पहले भगवान की 24 अवतार को वहां निर्देश किया गया है। तो न्याय शास्त्र में है उद्देश्य और निर्देश, पहले तो किसी विषय को केवल नाम देकर बताना और फिर उस विषय के बारे में वन लाइन डेफिनेशन देना या एक एक लाइन में उसको बताना, तो सिर्फ नाम देकर बताना उसको उद्देश्य कहते हैं और एक एक लाइन में उसका वर्णन करना उसको निर्देश कहते हैं। तो वहां निर्देश किया गया है चौथा अध्याय पहले स्कंद जहां भगवान के अवतार के बारे में संक्षेप में वर्णन है, तो विभिन्न अवतारों का संक्षेप वर्णन करके फिर अंत क्या होता है, अभी तक जो अवतारों का वर्णन किया गया है वो भगवान की या तो अंश है या तो कला है। तो अंश है भगवान के डायरेक्ट विस्तार और कला वाले भगवान के विस्तार के विस्तार, यानी कि अंश के विस्तार, उसको कला कहते हैं। संक्षेप उसका वर्णन इसकी बहुत सारी गहराई है अंश और कला शब्द में भी। तो ये पूरा थीम है भगवान कार्य का, और इस विषय को वहां बहादुर रूप गोस्वामी ने बहुत भली बात इसको वर्णन किया है, बहुत सी स्मरणी करी। तो कृष्ण स्वयं विश्वात्मा, यहां शब्द का प्रयोग किया गया विश्वात्मा जो सबके परमात्मा है, तो वो जो परमात्मा है शिव दक्षा विष्णु है वो भी विश्वात्मा के अंश है, एक्चुअली कला है। अंश और कला शब्द भी अलग अलग संदर्भ में अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है। तो स्वयं भगवान का अनेक प्रकार से विस्तार होता है, उसमें एक है जिसकी पुष्टि प्रभुपाद ने बता रहे हैं तेरहवें अध्याय से की गई है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु महान्। तो क्षेत्र के दो प्रकार के बताए गए हैं, एक तो जीवात्मा और दूसरा स्वयं परमात्मा जिसको अंतर्यामी भी कहते हैं। तो क्षेत्र यानी परमात्मा है और श्री भगवान के समस्त अंशों के वेद है, श्री भगवान के समस्त अंशों के आदि उद्गम है। और जैसा कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप है, अनंत रूप है। हम भागवत में 24 अवतार के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा मुख्य रूप से 10 अवतारों का वर्णन किया गया है और विशेष रूप से 10वें स्कंद में आश्रय तत्व जो है हमारा श्री कृष्ण के बारे में विस्तार से वर्णन है, विस्तार से वर्णन हमारी दृष्टि से लेकिन देखा जाए तो एक पुरा का पुरा गर्भ संहिता है, वो केवल कृष्ण लीला के बारे में वर्णन है। ऐसा कहते हैं कि विद्वान लोग कहते हैं कि गर्भ संहिता गर्भ मुनि की श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद पर कॉमेंट्री लिखा है, ऐसा कहते हैं। तो भगवान के अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप है, लिटरली अनंत रूप है भगवान के। माइंड बॉगलिंग, हम तो 10 अवतार का वर्णन पढ़ेंगे हम तो पूरा जीवन हमारा बीत जाता है। एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी पाश्चात्य एक की वैज्ञानिक ने पूछा श्रील प्रभुपाद से कि क्या जोन ऑफ आर्क का भी वर्णन श्रीमद् भागवत में है क्या। अभी जोन ऑफ आर्क एक फ्रेंड्स लड़की थी, जब वो 16 साल की थी तब उसने अपने फ्रेंड्स आर्मी का नेतृत्व किया था और ब्रिटिश आर्मी को मार गया था, क्योंकि उस समय कुछ सदियों पहले की बात है, उस समय क्योंकि ब्रिटिशर्स तो दीप प्रैक्टिकल दीप विजय यात्रा के लिए पता कर दीप विजय यात्रा का निकल ना यस कब से जैसा है दीप विजय या कब से जैसा दीप विजय यात्रा जैसे एडॉल्फ हिटलर भी उसकी भी वही
महत्वाकांक्षी anyway, तो फ्रांस का भी उन्होंने दमन किया था, उसके बाद शासन करते थे और उस समय तो कोई था नहीं फ्रांस को बचाने वाला, काफी समय तक, काफी जनरेशन तक it was better of any proper leader उनको जो मुक्त कर सके ब्रिटिश शासन से। तो उस समय ये लड़की आई लैंडेट में और उसने फ्रेंच आर्मी का नेतृत्व किया जस्ट 16 ईयर ओल्ड और 4 साल तक लड़ती रही और काफी हद तक उसने ब्रिटिश आर्मी को मात दी, काफी दूर भगा दिया, काफी हद तक डिफीट किया था। फिर 20 साल जब वो 20 साल की हुई, 4 साल लगातार नेतृत्व करती रही फ्रेंच आर्मी का और उसके बाद ब्रिटिश के पास में आ गई वो उनके सोल्जर्स में पकड़ लिया उसको और फिर she was burned at stake, उस समय ऐसे एग्जीक्यूट करते थे, लकड़ी का मंच बनाते थे उसके ऊपर लकड़ी का पोल रहता था और ऐसे बांध देते थे अपराधी को और वो लकड़ी को आग लगाते थे। That's how burning at stake. That's how she was executed. और काफी समय के बाद वेटिकन चर्च ने पोस्टमसली उसको सेंटहुड अवार्ड किया, she is a saint, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि उसको मदर मैरी के विजन आते थे और उसको और बहुत सारे एंजल्स उसको आकर ऐसे आदेश देते थे कि तुम फ्रेंच आर्मी का नेतृत्व करो, इस प्रकार से ऐसे इतिहास कहा गया। एनीवे तो एक्साइटमेंट पॉइंट मैंने इसलिए बता क्योंकि यार जब मैं आपको ये बात नहीं बता रहा था आप बोलते ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसका नाम जोन था लड़की का नाम, उसको फिर बाद में ये डेजिग्नेशन दिया गया था जोन ऑफ आर्क, उसको सेंट डिक्लेयर किया था वेटिकन चर्च ने फिर बाद में। तो शी इज कंसीडर्ड टू बी अ सेंटली फिगर इन हिस्ट्री और वेस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड में वो ज्यादा फेमस हो जानते हैं इसके बारे में। तो किसी ने प्रभुपाद को इसके बारे में पूछा कि क्या जोन ऑफ आर्क का भी वर्णन सिंधु भागवत में है, शी इज अ सेंट। श्री प्रभुपाद ने बोला कि आपकी भागवत की समझ क्या है। प्रभुपाद ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो केवल 18वें श्लोक से सीमित नहीं है, ऐसा कोई भी ग्रंथ जिसमें भागवत तत्व जिसमें श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की चर्चा आती है, जिसमें प्रधान है भक्ति, वह भक्ति प्रधान ग्रंथ है, भगवान की भक्ति या सेवा के अलावा और कोई उसका उद्देश्य नहीं, ऐसा कोई भी ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत का विस्तार है। प्रभुपाद की बात था मैं ये आपको भी एनेक्डोट में ले गई। तो श्रीमद् भागवतम हमारे सामने जो प्रस्तुत है शुरू के सामने जो मीडिया वो तो हमारी मर्यादा के अनुसार हम जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं वो भी डाइजेस्ट करना मुश्किल, इसलिए फिर सनातन गोस्वामी ने भागवतम भी किया कि भाई चलो भागवत का थीम समझ लो और उनको स्वामी को लगा कहां के लिए तो ये भी नहीं पढ़ पाएंगे इसलिए कुछ और उस पर संक्षेप कर दिया लघु भागवत। तो श्रीमद् भागवतम क्योंकि ये सब ग्रंथ जो है वो तो देवलोक में भी है, ब्रह्मा के रूप में है, उसके मूल रूप में जो उन लोगों की सामर्थ्य के अनुसार हम लोग तो यहाँ मनुष्य के लिए 18 श्लोक में दिया होगी, बाप रे इतना बड़ा है कब पढ़ेंगे ऐसा लगता है। तो भगवान के अद्वैत वचितम अनादि अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप है, अनंत लिटरली अनंत, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इतने सारे अलग विभिन्न प्रकार के भगवान के रूप हैं, शाश्वत है, उसमें से कुछ गिने चुने अवतार के मार्ग हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं खासकर श्रीमद् भागवतम में, जिसमें प्रभुपाद ने बता रहे हैं कि श्री विष्णु के लाखों पूर्ण विस्तार हैं, यथा मुख्य रूप से जो चतुर्थी है उनका नाम बताया संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, किंतु इस भौतिक जगत में विश्वात्मा अर्थात शरीर के परमात्मा की शरीरेक्षा विष्णु ही है, जो हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो शरीरेक्षा विष्णु के विस्तार है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूता यंत्रारूढ ब्राह्मण। तो
विश्वात्मा है, लेकिन फिर भी तो इस प्रकार से देखा जाए तो भगवान हमें सभी का निर्देशन करते हैं। भगवान को पंद्रह अध्याय में अनुबंधा उनको दृष्टा बताया गया है। तो हमारे एक एक शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक कार्य का निर्देशन करते हैं परमात्मा, क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्रज्ञ तो एक तो जीवात्मा और दूसरे परमात्मा। तो उस प्रकार से तो विश्वात्मा है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। लेकिन खास करके जो भगवान है अपने भक्तों का विशेष रूप से निर्देशन करते हैं स्वयं कृष्ण के रूप में, श्री विश्वात्मा शब्द यहां बताया तो विश्वात्मा श्री कृष्ण के लिए है। तो उनको स्नेहवश विशेष भगवान ध्यान रखते हैं, योग विषय महाव्यम और कृपा महा चतुश्लोकी गीता से श्लोक भी बोल करते हैं। कृपा के कारण उनके हृदय में रहकर ज्ञान के दीपक से अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करता हूं। तो भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, इसलिए भगवान के भक्तों को कभी भी निराश या उदास नहीं होना चाहिए। भगवान के भक्तों को निराश होना चाहिए, किससे निराश होना चाहिए, इस भौतिक जगत से निराश होना चाहिए। महाभारत में शांति पर्व में मोक्ष धर्म पर्व में इतना सुपर वर्णन किया है, उसका आप ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आपको तक्षण वैराग्य बुद्धि उत्पन्न होगी। उसका नाम ही मोक्ष धर्म पर्व। तो जो भगवान का जो भक्त होता है वो इस भौतिक जगत से भयभीत होता है, भयभीत रहता है। ये बात प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, साथ इसका नाम मिलेगा, क्योंकि जो भक्त होता है वो भौतिक जगत का स्वभाव जानता है। परम परम यह विपदा, एक एक पद पे यहां विपत्तियां हैं, केवल ये हमारी भ्रांति है और ये केवल भगवान की माया है जिसकी वजह से लोग ऐसा सोचते हैं कि इस भौतिक संसार में किसी न किसी प्रकार का सुख मिलेगा। ये बहुत बहुत बड़ा भ्रम है। जब भगवान उसका लक्षण कर चुके हैं, भौतिक जगत का लक्षण क्या कर चुके हैं भगवान गीता में, दुखालयम शास्त्र, लक्षण शब्द भी टेक्निकल है, न्याय शास्त्र के लक्षण भी बताया है। किसी वस्तु का असाधारण धर्म और असाधारण धर्म किसको कहते हैं, जो अव्यापी अतिव्यापी और असंभव नामक दोष से मुक्त हो। ऐसे किसी पदार्थ का जब लक्षण करना होता है उसका असाधारण धर्म जो इन तीन दोषों से मुक्त होना चाहिए तब उसको लक्षण कहते हैं। हम लोग ये सब शब्द हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे यूज करते हैं लेकिन इसकी टेक्निकल इम्प्लीकेशन है सब चीजों के। तो भगवान भौतिक जगत का लक्षण करते हैं, क्या है, दुखालय शाश्वत, दुख का आलय है। अर्थात भगवान सुख दुखालय नहीं बोल रहे, क्या सुखालय नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, दुखालय। वहां सुख को निकाल दिया, उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया, वहां सुख का अभाव है, इसको दुखालय बोला है। एक एक पद एक एक स्टेप यहां कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ एलिमेंट्स लगातार चलते रहे, लगातार नॉन स्टॉप। केवल ये भ्रम है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई ना कोई मुझे सुख मिल जाएगा। लोग संबंधों में सुख ढूंढते हैं क्योंकि रस जीवा पर रस आस्वादन करना चाहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के संबंधों में वो सुख ढूंढता है। और प्रभुपाद बार बार अपने पुस्तकों में और अपने प्रवचनों में कहते हैं कि वो भौतिक जगत के जो संबंध है उससे कभी भी उसको सुख नहीं मिलता है, हमेशा उसको कुछ ना कुछ विक्षेप आता है, उसमें कड़वाहट आ जाती है, संबंधों में रिश्तों में दरार फिल्म तो वो भौतिक जगत का स्वभाव है, उसका स्वभाव उसको कभी बदल नहीं सकते। दुखालयम अशाश्वत, वही संबंध जो पहले रस देता था आनंद देता था वही बाद में दुख देता है। और ये तो हर एक
व्यक्ति ने अनुभव किया जीवन में, इसलिए उसको भी सत्य से दूर नहीं होना चाहिए। अशाश्वतम, शाश्वत कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता। तो इस कारण से जो भगवान का भक्त होता है वो चतुर होता है, वो जानता है, he's intelligent, क्योंकि यहां बता रहे हैं भगवान को कि मैं उसके हृदय में जो जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, तमस है, मैं उसको दूर करता हूं, ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करके। भगवान का भक्त कभी मूर्ख नहीं रह सकता, वो भले ही ऐसे इतिहास में अनेक भक्त हैं जो भौतिक दृष्टि से निरक्षर थे, जैसे गौरकिशोर स्वामी महाराज, जगन्नाथ स्वामी महाराज, लेकिन क्योंकि भगवान विशुद्ध भक्त थे, इसलिए उनके हृदय में पूर्ण ज्ञान था, पूर्ण प्रकाश था। क्योंकि जो भक्त है वो तो ज्ञान प्राप्त करना स्मरण करके, ठीक है, स्वाध्याय अध्ययन वो तो है ही, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति निरक्षर है तो इलिटरेट तो क्या करेगा, तो क्या उसके हृदय में भगवान ज्ञान रूपी दीप से प्रकाश नहीं करें करेंगे ना? क्या विधि बताई है? श्रवण, गुरुजन से श्रवण करना। तद्विप्रणी पादेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश विद्याम ज्ञानस्तत्र प्रश्न, उसे बार बार श्रवण करना। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान ज्ञान के प्रकाश से बता देते हैं पूरे भौतिक जगत का स्वभाव, उसके सामने प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए इस भौतिक जगत के जो विभिन्न संबंध और अनेक प्रकार के जो व्यापार है, जगत व्यापार और अनेक प्रकार के सुख दुखादि द्वंद जो है, वो भगवान का शुद्ध भक्त भली भांति समझ सकता है, देख सकता है। वो समझ जाता है कि ये सब माया का छलावा है, छल है, बहुत बड़ा डिसेप्शन स्पेल, जैसे वो विचक्राफ्ट होता है ना, कई बार वो विचक्राफ्ट उसको करते हैं, काला जादू, तो वो उसके स्पेल में आ जाता है। और फिर ऐसा एक विचक्राफ्ट है, मतलब विचक्राफ्ट में बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज हैं, उसमें एक विचक्राफ्ट की टाइप ऐसी है कि जो विच या विजार्ड जो भी है, मेल और फीमेल गिनती में, तो मेल तो वो किसी को यदि वो काला जादू कर देगा तो वो एक ही क्षेत्र में घूमता रहता है, वो वहां से बाहर जाना चाहे तो भी उसको दिखाई नहीं देता, क्षेत्र बाहर का दिखाई नहीं देता उसको, एक ऐसा विचक्राफ्ट होता है, ऐसा स्पेल होता है। तो माया क्या है? वही तो है माया, ब्राह्मण सर्वभूता नेत्राणि माया, यहां लोग भ्रमण करते रहते हैं माया के स्पेल में, लोग भ्रमण करते रहते हैं, दिखाई नहीं देता कुछ बाहर। तो भगवान का जो भक्त है वो ये सब भौतिक जगत की सब जटिलताओं से वाकिफ होता है, वो अवगत है, इसलिए वो डरता है कि कहीं मैं इस माया में गिर न जाऊं कहीं, क्योंकि ये तो भगवान को बुलाने वाली है, ये मुझे अपने आत्मस्वरूप से आत्मस्वरूप को बुला देगी, इसलिए हमेशा भौतिक जगत से, भौतिक विषयों से हमेशा भयभीत रहता है। तो वो अच्छा लक्षण है, वो अच्छी बात है। केवल मूर्ख व्यक्ति जो है वो इस भौतिक जगत से भयभीत नहीं होता है, जो चतुर व्यक्ति होता है वो इस भौतिक जगत से भयभीत रहता है, भयभीत इन द सेंस वो सतर्क रहता है, क्योंकि उसने भगवान की शरणागति ली है, तो वो शरणागति लेने के बाद वो निर्भीक हो जाएगा, लेकिन वो जब हम अपनी जो सेवा को जो सेवा कर रहा है भगवान की भक्ति का, हमेशा वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते समय वो बहुत सतर्क रहता है, बहुत अलर्ट रहता है, वो कभी माया को चांस नहीं देता कि वो उसको पकड़ ले। चैतन्य चरितमृत में बात आती है, जब महाप्रभु के साथ छोटा हरिदास थे उनकी सेवा करने के लिए, और छोटा हरिदास तो किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हैं, वहां तो वहां प्रभुपाद की बात तात्पर्य बताते हैं कि किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु का स्वयं पार्षद सेवक दास, निजी दास जो महाप्रभु के लगन से सेवा करता, वो कैसे ऐसे किसी स्त्री के प्रेम में पड़ सकता, और पूरा छोटी था वो महाप्रभु की सेवा कैसे हो सकता है? काल कृष्ण, काल कृष्ण
साउथ इंडिया दक्षिण भारत की यात्रा में कर्नाटक यस काल कृष्ण सर। तो वहां प्रभुपाद बताते हैं कि भले ही वो उसका भगवान का संग प्राप्त है लेकिन माया के द्वारा प्रभावित होना या नहीं होना उसको स्वयं निश्चय करना पड़ेगा, वो संकल्प करना पड़ेगा जीवात्मा को। ये बहुत सूक्ष्म है ये बात। हम लोग यदि माया को अलाउ करने आओ मुझे पकड़ो, माय आर्म्स आर वाइड ओपन एम्ब्रेसिंग, तो आगे पकड़ेगी या थोड़ा सा भी ढील देकर पकड़ेगी। तो प्रभुपाद को तात्पर्य बताते वहां कि भक्त का डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि वो तो माया तो उपलब्ध है, वो तो सब देखो आप दिखाई दे रही सुलभ है, वो तो विषय सभी सुलभ है लेकिन वो भक्त को स्वयं निश्चय करना है कि वो उसके द्वारा प्रभावित होना चाहता है या नहीं होना चाहता है। तो हर एक साधक को ये निश्चय करना पड़ेगा कि आई चूज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल। इस प्रकार से उसके मन में वो फॉर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो बुद्धि के द्वारा बुद्धि उसे कहां से प्राप्त गुरु साधु शास्त्र से प्राप्त करके उसको ऐसा दृढ़ निश्चय करना है कि आई चूज नॉट टू बी अफेक्टेड। यदि उसमें वो ढीला रहेगा थोड़ा उसमें ढीला तो पकड़ ही माया, तो ये बहुत सूक्ष्म है। इस कारण से प्रभुपाद यहां बता रहे हैं क्योंकि यहां प्रभुपाद श्लोक में बात आ रही है कि यदुवंशी जो थे वो सभी कंस के कंस से भयभीत थे, तो उस चीज को लेकर प्रभुपाद यहां सिद्धांत बता रहे हैं तात्पर्य में। तो भौतिक भौतिक अस्तित्व से सतर्क और भयभीत रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस भौतिक संसार को न जानने से हर व्यक्ति प्रभावित होता है। आपकी समय क्या हो जाएगा भरोसा नहीं है, इसलिए भगवान का भक्त हमेशा सतर्क रहता है। वो ऐसा सोचता है कि मेरे अंतिम घड़ी है, जैसे परीक्षित महान को बता था कि अभी मेरे पास कितने दिन है, 7 दिन है, और परीक्षित महान सब छोड़ छाड़ के परीक्षित महान चाहते तो श्रृंगी के शाप का निराकरण करके शासन कर सकते थे आगे, और जरूर भी क्योंकि उनके जैसा राजा कोई नहीं था। फिर भी उन्होंने इसको सौ अवसर को दे दिया और इसको सौ अवसर के रूप में लिया, शाप था उसको सौ अवसर के रूप में लिया और पोती जी को त्याग दिया। तो सतर्क एकदम सतर्क रहने इस प्रकार से, तो उनको 7 दिन का मौत उनको सभी पता था पहले से, हमें तो नहीं पता कि हम मृत्यु कब आने वाली है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे कि हर एक व्यक्ति को एक एक सेकंड बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसलिए अव्यक्त कालत्वम एक गुण वैष्णव का बताया गया है, क्या कि वो एक सेकंड भी व्यर्थ में नहीं जाने देता है, एक एक सेकंड वो भगवान की सेवा में उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है भौतिक जगत का स्वभाव समझ चुका है, लक्ष्य जान चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, भौतिक जगत में कोई कुछ दम नहीं है, है नहीं कुछ, सब दिख रहा है, सब सब छलावा है। इसलिए जो भक्त होता है व्यर्थ होता है। तो फिर उसके बाद प्रभुपाद यहां योग शब्द जो भगवान से जुड़ने की बात योगे आपकी सर्वे शब्द यहां योग शब्द योग माया, हालांकि वो उसका दूसरा पहलू मैं आपको बता दूं, लेकिन जो विभिन्न प्रकार की योग योग जो भगवदगीता में चर्चा की गई है उसमें सर्वोत्तम योग छठे अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, जो श्रद्धावान भजते योगां, जो मुझे श्रद्धा से मुझे भजन करता है। ये सिंपल रहस्य भगवदगीता में भगवान बता रहे हैं, लेकिन संसार के बहुत सारे तथाकथित आध्यात्म वाले लोग कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से बताया गया है भज शब्द और भक्ति शब्द का प्रयोग बार 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 भगवत गीता में किया गया है, इसे वो सर्वोत्तम योग पद्धति है कि श्रद्धावान होकर भगवान का नित्य श्रवण, श्रवण मतलब निधि ध्यान, भगवान के बारे में श्रवण करना नित्य, उनके बारे में मनन करना और निधि ध्यान, और फिर उसमें से जो साध है उसको उसके ऊपर ध्यान करना। तो ये प्रक्रिया सरल प्रक्रिया है और भक्ति की प्रक्रिया है, और प्रभुपाद बता रहे तात्पर्य में कि
भक्ति योगी के लिए मनुष्य जन्म मिलना निश्चित है। साधारण कर्मी लोगों को जो कर्मी और विकर्मी, आजकल लोग कर्मी भी कहा है, विकर्मी है ना सब क्योंकि कर्मी किसको कहते हैं, जो वेद के विधि निषेध को पालन करके इस भौतिक जगत को किसको भोगना चाहता है उसको कर्मी कहते हैं। विकर्म का वर्णन जो वेदों में किया गया है उसको कर्मी, जो अर्थात वेदों के विधि निषेध को पालन करते हैं। लेकिन आजकल का जिन लोग विधि निषेध तो जानते ही नहीं, पालन करने की बात दूर रही, इसलिए उनको विकर्म कहते हैं। तो उसकी वो विकर्म चले धूम प्रभाव का कुंते विकर्म। इस जगत में कैसे लोग मैडमैन पागल आदमी, तो पागल आदमी इस प्रकार से चेष्टा करता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी रोड पर किसी पागल व्यक्ति को देखते हैं, कभी आपने टीवी पर देखा होगा, कभी उसके कार्यकलाप का कोई अर्थ नहीं रहता। और ऐसा व्यक्ति जो है प्रवक्ता प्रवक्ता मैडमैन विभिन्न दिव्य योनियों में जाना पड़ता है, कुछ सिद्ध योनियों में जाना पड़ता है, अबोमिनेबल स्पीशीज ऑफ लाइफ, ऑब्नोक्सियस स्पीशीज ऑफ लाइफ जाना पड़ता है। तो क्या शरीर मिलने वाला है कुछ पता नहीं है, लेकिन भगवान के लोग शुद्ध भक्त होता है, भगवान विभक्त होता है, शुद्ध भक्त तो भगवान के धाम में जाएगा, लेकिन जो कम से कम साधक है वो उसको कम से कम मनुष्य शरीर को मिलता ही, उसकी साधना यदि बाकी भी रह गई है, पूर्ण स्थिति नहीं प्राप्त की है, तो श्रीनाम श्रीमदान गए योग भी आ जाते। तो इस सिद्धांत रूपा ने बता रहे, इसलिए भक्ति योग हमेशा ग्लोरियस है। किसी व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के योग को की प्रेफरेंस में भक्तियों को ही करना चाहिए, वो सर्वप्रमाण है। यहां योग माया शब्द जो है उसको जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उसके बारे में बताते हैं, विश्वनाथ ठाकुर ऋषि बता रहे हैं उसमें सारथ ऋषि में कि ये जो योग माया है वो भगवान की नौ शक्तियों में से पांचवे नंबर की है, पांचवे नंबर है। तो लघु भागवतामृत के ऊपर बलदेव विद्याभूषण ने कॉमेंट्री लिखी जिसका नाम है सारंग रंगला, उसमें बलदेव विद्याभूषण की नौ शक्तियों के नाम बता रहे हैं। तो यहां विश्वनाथ ठाकुर से कॉमेंट्री में बता रहे हैं इस पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर, विश्वनाथ ठाकुर की कॉमेंट्री सिर्फ एक लाइन में है जिसमें ये शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ पहली पांच ही है। तो कौन कौन सी नौ शक्तियां, कौन सी? विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञान, क्रिया, योग, योग यानी योग माया तो बात हो रही है, प्रभावी, सत्या, ईशान, अनुग्रह। इसके अलावा भागवत संदर्भ में, भगवत संदर्भ में जीव गोस्वामी 20 शक्तियों का नाम बताते हैं, श्री, पुष्टि, धीर, कांति, कीर्ति, पुष्टि, ईला, जया, विद्या, विद्या, माया, संवित, संजनी, धारिणी, भक्ति, मूर्ति, विमला, योग, ध्यान, योग, योग माया, प्रहारी, ईशान, अनुग्रह। उसके अलावा भागवत तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य 16 शक्तियों के नाम बताते हैं, ये सेम 16 शक्तियों के नाम मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य बताते हैं दूसरे अध्याय में। पहले अध्याय में मध्वाचार्य सर्वशास्त्रार्थ निर्णय बता रहे कि सभी शास्त्रों का निर्णय क्या, उसको कैसे समझना है विभिन्न शास्त्रों का। दूसरे अध्याय में, दूसरे और तीसरे अध्याय में मध्वाचार्य खास करके दूसरे अध्याय में क्रिएशन के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करेंगे, वो संक्षिप्त भी मतलब काफी इंट्रिकेट है प्रहारी, विषाम और अनुग्रह।
तो यहां यो माय को भगवान आदेश दे रहे हैं, तो अपि शब्द जो है वो दूसरा अर्थ यह है कि वो इंगित करता है कि श्री कृष्ण जो है वो योग माया से सुपीरियर है। यहां जो योग माया शब्द तो हम लोग तो जीवात्मा को योग माया से सुपीरियर नहीं है, हम लोग तो महामाया से ही भौतिक जगत में तो हम लोग माया से सुपीरियर नहीं है। देवी और गुण में हम माया दूरते हैं, तो देवी और गुण में हम माया दूरते हैं, तो उसको भौतिक जगत जो महामाया उसको भी तो हमें पार करना कठिन है। केवल एक्चुअली जीवात्मा महामाया को खुद की शक्ति से कभी भी उसके ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए इनसरमाउंटेबल एनर्जी दुर्त्यया शब्द जो संस्कृत में उपयोग किया गया उसके लिए प्रभुपाद एकदम परफेक्ट इंग्लिश में वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या इनसरमाउंटेबल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। जीवात्मा स्वयं की शक्ति से वो उसको नहीं कर सकता, इसलिए क्या बोलते हैं दैवीय गुणमयी मम माया दुर्त माया भी हम करते हैं, जो मेरी शरण में आता है वो से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान वो महामाया को आदेश दे रहे थे अभी तुम दूर रहो, ये बात बस इससे दूर रहो, ये मेरा भक्त है उसको छोड़ दो तुम। लेकिन उसने वो जीव का वो संकल्प तो रहना चाहिए, तो पहले जो बात बताई मैंने कि वो स्वयं महामाया से प्रभावित नहीं होना चाहता है, वो संकल्प उसके अंदर होना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरे लोगों की शक्ति नहीं पूरी तरह से। क्या प्रपत्ति की बात, प्रपत्ति की बात हो रही है श्लोक में, प्रपत्ति का क्या है वो प्रपत्ति का लक्षण करेंगे तो ये होगा कि भाई वो केवल भगवान के द्वारा ही नियंत्रित होना चाहता है, वो माया के प्रभाव में नहीं आना चाहता, उसका वो दृढ़ संकल्प है, नहीं तो वो तो 50-50 है, इधर भी प्यार रखा है उधर भी प्यार रखा है, थोड़ा थोड़ा माया में थोड़ा थोड़ा भक्ति में भी, थोड़ी महामाया थोड़ी योग माया, इट डजंट वर्क दैट वे। जो व्यक्ति महामाया में भी थोड़ा रहना चाहता है वो एक्चुअली योग माया में नहीं रह सकता, पूरी तरह से नहीं रह सकता, और हमेशा उसके पास चांस रहता है कि वो उधर चला जाएगा महामाया में, इसलिए उसको सर्वधर्मान परिवेश मामेकम शरण में भगवान कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़ के केवल मेरी शरण में आओ, सभी अन्य आश्रय को छोड़ के केवल श्री कृष्ण की शरण में लाना है, तो तब हम पूरी तरीके से पूर्ण रूप से योग माया के प्रभाव में आ सकते हैं। तो जीवात्मा महामाया योग माया दोनों की कंपेरिजन बहुत छोटा है, अणुआत्मा है, तो देखिए हमारे जीवात्मा के लिए नेचुरल है कि वो योग माया के अंदर भी कार्य करें, जीवात्मा को माया में तो रहना ही है, जीवात्मा हमेशा माया में ही रहेगा क्योंकि उसका स्वरूप है वो, लेकिन कौन सी माया में, या तो महामाया में या तो योग माया में, मटेरियल एक्सटर्नल पोटेंसी और इंटरनल पोटेंसी, तो जीवात्मा के नेचुरल क्या है कि वो योग माया में रहे। तो यहां भगवान की लीला को खास करके जो आगे बढ़ाना है तो भगवान योग माया के यहाँ आदेश दे रहे हैं, तो क्या करना है अभी आगे, तो उसके बाद वाले श्लोक में बताया है श्री भगवान ने योग माया को आदेश दिया, ये समस्त जगत द्वारा पूज्या भद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, भद्र यानी ये समस्त जीवों का कल्याण करने वाली, तो एक्चुअली योग माया जो है वो सबका कल्याण करती है, इस और समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम व्रत जाओ जहां अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं, तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि वसुदेव की दूसरी जो पत्नियां थी, एक तो देवी तो वहां कारावास में थी जेल में उनके साथ, देवी तो थी लेकिन पास में रोहिणी भी थी, कई बार ये प्रश्न करते हैं तो रोहिणी तो वहां नंद बाबा के साथ गोकुल में थी तो प्रेग्नेंट कैसे होगी, तो एक्चुअली जो कंस ने सभी पत्नियों को अलाउ किया साथ में रहने के लिए, केवल देवकी नहीं, और कंस ने बाकी कुमार की चेष्टा नहीं की थी, भाई किससे था, देवकी के पुत्र से बेटा, इसलिए वो पहले उसको कर्ज मारने की चेष्टा की, लेकिन कंस ने फिर भी जब उनको जब रिप्रेजेंट किया तो दूसरी पत्नियां भी थी वसुदेव के साथ,
लेकिन वो जेरूसलम में बताते हैं कि और ये बात एक्चुअली थोड़ी और विस्तार से मतलब बताते हैं तो अलग विषय है। तो जब वसुदेव ने देखा कि रोहिणी प्रेग्नेंट थी तो गुप्त मार्ग से कहां भेज दिया, गोकुल भेज दिया, नंद बाबा की कस्टडी में भेज दी। और उस प्रकार से दूसरी पत्नियों को भी भेज दिया था गोकुल में। और यहां शब्द का प्रयोग किया विवर येशु, वो जो वसुदेव की अन्य पत्नियां भी थी वो कैसे रहती थी, विवर शब्द का प्रयोग जो प्रभुपाद ने अनुवाद किया एकांत स्थानों में। तो विवर शब्द का, विवर शब्द का क्या होता है, शब्द शब्द विवर किसको कहते हैं, होल। तो जैसे होल में रहते थे, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। प्रभुपाद जी बता रहे एकांत स्थान में, लिटरली तो उसका क्या होता है, होल होता है विवर का, बिल जैसे होते हैं बिल, सॉरी बिल होल में छेद में घुस गए, जैसे वो सात होता है वो बिल में घुस जाता है, विवर में घुस जाता है। तो विवर यीशु अर्थात लिटरली को वो होल होता है, लेकिन फिगर फिगर ऑफ स्पीच क्या है कि एकांत स्थान में, ताकि एकांत उसको उनका पता न लगा सके, क्योंकि भाई भाई था सभी यदुवंशियों को उनकी पत्नी को भाई था, कंस का भाई था। इसलिए भगवान उनके विश्वात्मा के रूप में उनका भय दूर करना चाहते थे, इसलिए लोग मार्ग भेज रहे वहां। भगवान हमेशा अपने भक्तों के भय को दूर करते हैं, इसलिए वो खास करके अपने हैं, क्योंकि यादव यदुवंशी में उनके बहुत प्रिय भक्त हैं। इसलिए जहां तक मुझे याद आ रहा है भागवतम में शब्द का प्रियतम किया गया है जब यादव की बात आती है, और फिर अल्टीमेटली गोपियों की बात आती है तो पूर्ण परफेक्शन जहां तक मुझे याद आ रहा है प्रिय और प्रियतम। तो इसलिए उनका भय दूर करना चाहते थे भगवान, इसलिए वहां ये संदेश आदेश दे रहे हैं, इनको योग मार्ग आदेश दे रहे हैं कि तुम जाओ गैरकुश में काम करना है, व्रज में जाओ और वहां सुंदर प्रदेश में जहां अनेक गाय निवास करती है वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रहेगी, और वो क्योंकि गोकुल बहुत सुंदर है बताते हैं इसलिए, क्योंकि योग माया के अंदर ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की क्षमता थी, इसलिए भगवान ने उसको नंद गोकुल के यहां जाने का आदेश दिया। हरे कृष्ण।